हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं HTML के न्यू टेक्स्ट के बारे में। तो इस टेक के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर पहला है फॉर्म टैग, मतलब कि फॉर्म के कैसे क्रिएट होता है, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, वो कहाँ पे यूज़ हो सकता है। उसके बाद है इनपुट टैग, उसके बाद है सिंपल बटन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं HTML के थ्रू, उसके बाद रेडियो बटन और चेक। तो ये जो सारे के सारे एलिमेंट है वो हम बोल सकते हैं वन टाइप ऑफ वैलिडेशन एलिमेंट, मतलब कि इन जो सारे के टैग है जो हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम अपनी तरीके से वैलिडेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो वो हम फ्यूचर सेक्शन के अंदर देखने वाले हैं। बट अभी फिलहाल हम जो फॉर्म टैग है उसका यूज कैसे करेंगे, वो कहाँ पे यूज होता है, तो वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्म टैग के बारे में देखने वाले हैं। आगे के लेक्चर में हमने कई कई टैग के बारे में देखा जो आज के लेक्चर से थोड़ा ज्यादा यूनिक था, जैसे कि टेबल टेबल टैग देखा था, उसके बाद हमने देखा था लेबल टैग, तो वो सारे टैग देखे थे। तो आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं फॉर्म टैग के बारे में। तो फॉर्म टैग एग्जैक्टली क्या है? फॉर्म टैग का मतलब आप एक उससे फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि आप यूजर के पास से आपको उसका डेटा लेना है तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, फॉर्म टैग के थ्रू और इनपुट टैग के थ्रू आप यूजर के पास से अपना डेटा क्रिएट कर सकते हो, ले सकते हो। जैसे कि आपने कहीं कभार वेबसाइट में देखा होगा कि वेबसाइट के लास्ट के अंदर, मतलब कि वेबसाइट के बॉटम के अंदर एक फॉर्म क्रिएट होता है कॉन्टैक्ट अस करके। उसके अंदर क्या होता है कि आपको अपना नंबर, मेल आईडी, जो कुछ भी है वो उसके अंदर देना होता है, जिससे कि जो जिसकी वेबसाइट है वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सके, मतलब कि वो आपका डेटा ले सके, वो यूज कर सके। तो उस लिए आप फॉर्म बना सकते हो। आपने कई बार देखा होगा कि जो भी वेबसाइट होती है तो उसके अंदर एक फॉर्म का पेज अलग से ही होता है, कॉन्टेक्ट अस आपने देखा ही हो। तो ये किससे क्रिएट होता है? फॉर्म टैग से ही तो क्रिएट होता है। तो ये एक फॉर्म टैग है जो इनपुट एलिमेंट। दूसरा है इनपुट। इनपुट का मतलब क्या है? आपने गूगल ओपन किया है तो आपको जो सर्च की लाइन दी गई है ना, वो वन टाइप ऑफ क्या है? इनपुट। मतलब कि आप उसके अंदर कुछ इनपुट कर सकते हो, तो वो इनपुट से क्रिएट होता। तो ये है फॉर्म और इनपुट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जैक्टली फॉर्म हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो वो हमें देखना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, नोटपैड में चले जाते हैं। अपना नोटपैड मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और मैं अभी एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। तो ये मैंने फाइल है वो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सेव एज कर लेता हूँ। मैं कहाँ पे सेव करूँगा, हमारा जो लास्ट फोल्डर था HTML के अंदर, यहाँ पे मैं दे दूंगा अपना न्यू index1.html। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बट आपका एक्सटेंशन है वो आपको क्या रखना होगा, HTML ही रखना हो। यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। तो ये हमारी फाइल अभी हो चुकी है सेव। तो सबसे पहले एक मैं HTML का फॉर्मेट बना देता हूँ। तो वो कैसे बनता है, पहले तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, गो डॉक टाइप, उसके बाद HTML, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, HTML का टैग लिखूंगा, तो उसको भी मैं क्लोज करूंगा। उसके बाद उसके अंदर क्या करूंगा, मैं एक हेड टैग बनाऊंगा जिससे मदद के मैं उसके अंदर कुछ टाइटल दूंगा। तो यहाँ पे हेड हेड टैग, तो ये मैंने हेड टैग क्रिएट कर लिया है। उसके अंदर मैं जो हम वेब पेज बना रहे हैं उसका क्या होगा, टाइटल दे दूंगा कि वेब पेज किसके पर है। तो अभी मैं दे दूंगा फॉर्म एलिमेंट पे, तो यहाँ पे मैं ले दूंगा एक टाइटल टैग जिससे कि हमारा टाइटल क्रिएट हो जाए। तो आपको पता ही है टाइटल टैग कैसे क्रिएट करना है। टाइटल टैग कहाँ आता है, हेड टैग के अंदर ही आता है, ये आपको कम्प्लीटली याद रखना। और जो हेड टैग होता है उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो भी आपने कुछ लिखा है वो भी विजिबल होगा नहीं आपके वेब पेज के अंदर। ये जो टाइटल भी है वो भी आपको पता है कि जो टैब बार होती है, जो हमारी ब्राउजर की जो उसके अंदर मल्टीपल टैब होती है, वहां पे ये हमने शो करवाएगा कि ये जो है वो किसका है या किसका नाम क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स फॉर्म। ये जो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो कैसे हमें विजिबल होता है वो हम देख लेते हैं। HTML के अंदर index1 के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको इंडेक्स फॉर्म दिखाई देगा। तो यहाँ पे अभी फिलहाल हमारे पेज के अंदर कुछ नहीं आया क्योंकि हमने अभी को बॉडी टैग के अंदर कुछ नहीं दिया। तो सबसे पहले एक हम सिंपल फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म कैसे क्रिएट होता है वो हमें देखना है कि फॉर्म कैसे क्रिएट होता है, उसका यूज क्या होता है। तो फॉर्म के क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम बॉडी टैग अपना बना लेते हैं। तो बॉडी टैग के अंदर ही हम सब कुछ करेंगे। आपको भी पता है कि बॉडी टैग ये हमारा मेन पोर्शन हो जाता है HTML। तो ये अभी फिलहाल मैंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। जो भी हमारा
HTML का स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले आपको क्रिएट करना रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है, जैसे मैंने आगे भी कहा था अब भी कह रहा हूँ, आपको इस स्ट्रक्चर फॉलो करके ही आगे बढ़ना है। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर किया, अब हमने जो बॉडी लिया, तो बॉडी के अंदर मैं क्या करूंगा, जो बॉडी लिया बॉडी के अंदर मैं एक फॉर्म बनाऊंगा। तो फॉर्म हम कैसे बनाएंगे, तो फॉर्म हमें सबसे पहले क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है, हमारे लिए सबसे पहले जरूरी होता है एक फॉर्म टैग। तो यहां से मैं फॉर्म टैग क्रिएट कर लेता हूं। तो हम सबसे पहले देखते हैं, ये हमने फॉर्म टैग क्रिएट किया बट इसके अंदर हम कुछ भी देते नहीं, तो हम देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। यहां से हम रिफ्रेश करते हैं, आपको भी पता है मैंने सेव किया उसके बाद रिफ्रेश किया, तो हमें कुछ भी आउटपुट देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसके अंदर हमें फिलहाल अभी कुछ दिया नहीं है। तो फॉर्म एक क्या होता है, फॉर्म मतलब कि एक जो बहुत सारे इनपुट टैग होते हैं ना, वो उसका ग्रुप मतलब कि एक फॉर्म क्रिएट होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, सिंपल फॉर्म। मतलब कि आपको फॉर्म बनाना है तो आपको फॉर्म के अंदर मल्टीपल इनपुट टैग लेने होंगे। मतलब कि फॉर्म के अंदर भी आपने देखा होगा कि वो यूजर अपना डेटा इनपुट कर सकता है, तो वैसे हमें डेटा इनपुट करवाने के लिए हमारा क्या लेना पड़ेगा, इनपुट टैग। मैंने कहा वैसे ही कि जो गूगल के अंदर आप सर्च बार देखते हो तो वन टाइप ऑफ क्या है, एक इनपुट टैग तो है, जो इसके अंदर आप यूजर मतलब कि कोई भी डेटा एंटर कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ भी हमने क्या करना है, एक इनपुट टैग क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे मैं इनपुट टैग क्रिएट कर लेता हूँ। इनपुट का मतलब वहां पे यूजर कुछ भी इनपुट कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इनपुट टैग क्रिएट किया है। इनपुट टैग को हम क्लोज भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, उसकी जरूरत नहीं है, उसको हम सिंपली एक टैग भी ले सकते हैं। तो ये जी, तो यहाँ पे मैंने इनपुट टैग, तो इनपुट टैग तो मैंने ले लिया बट इसके अंदर मैं अभी कुछ नहीं क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ रिफ्रेश होने के बाद, तो यहाँ पे एक आपको खाली बॉक्स देखने को मिल जाए। जैसे ही मैंने यहाँ के फॉर्म के अंदर इनपुट टैग लिखा, वैसे ही आपको यहाँ पे खाली बॉक्स जिसके अंदर आप कुछ भी एंटर कर सकते हो, यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक खाली बॉक्स क्रिएट होने को मिल गया है, देख सकते हैं आप। तो हमने जैसे ही फॉर्म के अंदर इनपुट लिखा, मतलब कि इनपुट का मतलब क्या होता है, मैंने कहा वैसे ही एक आप यूजर के पास से कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, तो उसको क्या बोलते हैं कि इनपुट टैग। तो जैसे हमने इनपुट लिया वैसे ही इसको निकाल देता हूँ, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ से भी चला जाएगा। सेव कर लेता हूँ इसको पहले, तो यहाँ से भी चला गया। तो एक बार इनपुट लिया, तो इनपुट का मतलब क्या होता है कि आप कुछ इसके जरिए से आप कुछ भी इनपुट करवा सकते हो यूजर से। तो ये फॉर्म टैग के अंदर आपको क्या लेना होगा, इनपुट। दूसरा मैं ले लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे दूसरा ले लेता हूँ, सेव करता हूँ, फिर देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दो इनपुट टैग देखने को मिल जाए। तो आप एक फॉर्म के अंदर मल्टीपल इनपुट टैग ले सकते हो। आपने कई बार देखा होगा एक जो फॉर्म होगा उसके अंदर जो पहला होगा वो कॉन्टेक्ट नंबर या आपका ईमेल या आपका जो भी एड्रेस है या आपका नाम, वो सारा का सारा जो फिलअप करवाता था, तो वो किस टैग के जरिए, आपने ऐसा ही टैग देखा होगा, तो वो क्या है, एक इनपुट टैग ही तो है। इनपुट टैग के जरिए से आप यूजर के पास से कोई भी डिटेल ले सकते हो। तो ये बात आपको कभी याद रखना है कि यूजर के पास से हमें कोई भी डिटेल लेनी है, इन हमारे वेब पेज के अंदर का, वेब एप्लीकेशन के अंदर, या यूजर को सर्च का ऑप्शन देना है वो अपनी डिटेल सर्च कर सके, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, यूजर के पास डेटा लेने के लिए आप इनपुट टैग का यूज कर सकते हो। तो ये तो हमने फिलहाल दो इनपुट टैग लिए, तो यहां से मैं एक इनपुट टैग निकाल देता हूँ। अब क्या करता हूँ, ये जो मैंने इनपुट टैग लिए उसका यहाँ पे मैं टाइप देता हूँ कि मैं जो डेटा लेने वाला हूँ वो डेटा किस टाइप का, कोई ऑप्शन टाइप का है, कोई टेक्स्ट टाइप का है, कौन से टाइप का है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइप लेना होगा, तो टाइप से हिसाब से आपको डेटा मिले। यहाँ से टाइप कैसे लिखते हैं, ये एक वन टाइप ऑफ इनपुट की प्रॉपर्टी है, टाइप लिखते ही यहाँ पे आपको सजेशन भी मिलेगा और डबल कोट के अंदर आपको उसका क्या देना होगा कि टाइप देना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट, तो मतलब कि जो ये इनपुट है ना उसके अंदर से हमने कौन सा डेटा मिलेगा, टेक्स्ट डेटा मिलेगा जो हम सेव करते हैं। तो इसके अंदर से सिंपली कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिखा है तो भी वो अपने आप ही क्या लेता था, टेक्स्ट ही डेटा लेता था ना। और यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी दी वो हमें जब नहीं लिखते तो वो इनबिल्ट टेक्स्ट ही लेता। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हम जब इनपुट के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं देते, मतलब कि उसका कोई टाइप नहीं देते है कि किस तरह का डेटा हम लेने वाले, तो वो इनबिल्ट ही अपने आप ही वो टेक्स्ट डेटा ही फेच करेगा। तो ये बात आपको कम्प्लीटली याद रखनी है कि
टेक्स्ट डेटा फेच करवाने के लिए हमें कोई इनपुट देने की जरूरत नहीं है, कोई टाइप देने की जरूरत नहीं है, और देना चाहो तो भी आप दे सकते हो एक इनपुट टैग के अंदर। तो ऐसे तो यहाँ पे आप कोई भी सारे लिख सकते हो, तो वो हम आगे देखेंगे इन डिटेल किस किस तरह के हम टैग लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद है दूसरा, हम इसका नेम भी दे सकते हैं। नेम का मतलब क्या है? ये वन टाइप ऑफ एक आईडी की तरह काम करेगा। मतलब कि हम जब फ्यूचर सेशन के अंदर इससे हम कुछ काम करवाएंगे, इसका डेटा फेच करेंगे, तब क्या होगा, इसके अंदर हमारे आईडी की जरूरत रहेगी, तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ मैं दे सकता हूँ नेम, तो ये हमने नेम दे दिया। ये आपको अभी पता नहीं चलेगा, ये आपको फ्यूचर सेशन के अंदर पता चलेगा, एक बात याद रखनी। उसके बाद उसके अंदर हमें कोई, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सेव किया तो यहाँ पे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता, बट यहाँ पे आप वैल्यू एंटर कर सकते हो। बट हमें कुछ ऐसा करवाना है कि वो जो वैल्यू थी ना, जो वैल्यू थी वो पहले से ही हमें डिफाइन करनी है कि यही वैल्यू आपको एंटर करनी है। हम वैल्यू पहले से ही देना चाहते हैं, जो यूजर एंटर करे उससे पहले यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या कुछ वैल्यू देनी होगी ना, तो उसके लिए हम पहले से ही यहाँ पे वैल्यू टैग का यूज कर सकते हैं, वैल्यू प्रॉपर्टी का। इसके अंदर क्या होता है, आप इनबिल्ट ही अपनी वैल्यू दे सकते हो, जिससे कि मैंने यहाँ लिख दिया HTML। सेव करता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश किया तो आपको जो डायरेक्टली HTML जो हमने कोडिंग के अंदर लिखा था यहाँ पे, वो यहाँ पे आपको मिल गया। आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, बट जब भी आपको ऐसा हो कि मेरा कुछ भी जो हमने इनपुट टैग लिया है तो उसके अंदर यूजर को पता चले कि यहाँ पे क्या डालना है, उसको हम हिंट की तरह यहाँ पे कुछ दे सकते हैं, तो वहां पे आप ये वैल्यू का यूज कर सकते हो कि यूजर कुछ भी नहीं डालेगा तो ये वैल्यू तो होगी ही। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आपको कोई भी वैल्यू इनबिल्ट ही इसके अंदर प्रोवाइड करनी है, तो हम किस टैग के जरिए कर सकते हैं, वैल्यू टैग के जरिए कर सकते हैं। तो ये बात आपको कम्प्लीटली याद रखनी होगी कि हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वैल्यू, तो इसको हम निकाल देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपके जो भी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको पहले से ही वैल्यू देनी है, अगर यूजर ना डाले तो आपको वैल्यू अपने आप ही इनबिल्ट देनी है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, वैल्यू का यूज कर सकते हो। वैल्यू प्रॉपर्टी के थ्रू आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो उसके अंदर। तो ये हमने देखा इनपुट टैग, फॉर्म टैग, मतलब कि फॉर्म टैग का मतलब क्या है, हमें कोई भी फॉर्म क्रिएट करना है तो वहां पे क्या यूज होगा, फॉर्म टैग का यूज होगा। उसके बाद हमने देखा इनपुट टैग, इनपुट टैग का मतलब हमें कोई भी चीज यूजर के पास से, यूजर से हमें कोई भी डेटा लेना है या उसके पास एक्सेस करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इनपुट टैग के जरिए, मतलब कि उसके पास से हम डेटा ले सकते हैं। तो उसके अंदर भी हमने देखा कि हम यहाँ पे हम कुछ भी नहीं देंगे, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं देंगे, तो वो इनपुट टाइप क्या होगा, उसका इनबिल्ट ही इनपुट टाइप टेक्स्ट ही होगा। तो ये हम दे सकते हैं, इनबिल्ट क्या होगा, टेक्स्ट ही होगा, जो हम नहीं देते तो भी, और हम देना चाहे तो भी हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी के, टाइप प्रॉपर्टी के जरिए हम टेक्स्ट इसके अंदर दे सकते हैं। यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखोगे तो इनपुट के अंदर कौन सा डेटा मिलेगा, टेक्स्ट डेटा। तो ये हमने नेम दिया, एक आईडी की तरह काम करता है, और आपको सबसे पहले वैल्यू देनी है। तो आप प्री डिफाइन वैल्यू भी दे सकते हो वैल्यू के जरिए से, तो ये आपको याद रखना। तो ये हमने एक सिंपल जो इनपुट टैग देखा कि इनपुट के अंदर हम कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम वैल्यू ले सकते हैं, तो ये हमने देखा। तो ये हमने पहले तो देखा ये टेक्स्ट, अब ऐसा ही हम दूसरा क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरा इनपुट टैग क्रिएट कर लेते हैं, उसके अंदर मैं टाइप दे देता हूं, हमारा टेक्स्ट ही रहेगा। उसके बाद उसका नेम दे देता हूँ, नेम दो या नौ दो कोई जरूरी नहीं है, यहां से अभी तो मैं रहने देता हूँ, चलो यहां से दे देता हूँ सर नेम। उसके बाद मैं वैल्यू दे देता हूँ, वैल्यू में क्या देता हूँ, तो वैल्यू में यहाँ पे नहीं देता हूँ, कुछ रहने देता, यहाँ से भी निकाल देता हूँ, वैल्यू की हमें जरूरत नहीं है अभी। तो यहाँ से मैं सेव करता हूँ, सेव करने से बाद यहाँ पे मेरी सेव, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें दो क्या मिल चुके हैं, इनपुट मिल चुके हैं। उस दोनों का टाइप्स क्या है आपको यहाँ पे सजेशन भी दिखाया गया, जो आपने आगे भी सर्च किया होगा। यहाँ पे दोनों का टाइप क्या होगा, दोनों का टाइप टेक्स्ट ही है ना, तो उसके अंदर टेक्स्ट डेटा ही हमें मिलेगा, तो ये बात हो गई। बट हमें यहाँ पे डिफाइन करना है कि जो ये है इसमें क्या चीज हमें एंटर करनी है। आपने कई बार देखा होगा कि आप जब भी कोई फॉर्म देखते हो ऑनलाइन, आप किसी वेबसाइट पे, उसमें लिखा होगा एंटर योर नेम, यहाँ पे आपका एंटर ने आपका नाम एंटर करना है,
इस टैग के अंदर आपको क्या करना है, अपना सरनेम एंटर करना है, यहाँ पे आपका अपना फोन नंबर एंटर करना है। तो यहाँ पे हमें ऐसे कुछ डिफाइन करें, यहाँ पे हमने तो सिंपल वर्क्स, यूजर को कैसे पता चलेगा कि ये जो है वो फोन का है, ये जो है वो नंबर सरनेम का है, तो वो उसको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आगे जो भी आप देना चाहते हो वो दे सकते हो, मतलब कि यहाँ पे मैं लिख देता एंटर द नेम, ओके। तो ये मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे मिल गए एंटर द नेम। तो इसको यूजर को डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये जो फर्स्ट जो हमारा इनपुट है उसके अंदर हमें क्या करना है, नेम एंटर करना है हमारा, और जो दूसरा है उसके अंदर देना हो तो वो भी हम दे सकते हैं एंटर द सरनेम, तो वो भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा भी आ जाएगा। तो पहले नेम आ गया, मतलब कि यूजर को डायरेक्टली पता चल जाएगा जो पहला बॉक्स है उसके अंदर हमें अपना नेम जो इनपुट करना है, और जो दूसरा बॉक्स है उसके अंदर हमारा सरनेम इनपुट करना है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये हम कर सकते हैं। तो ये बात आपको कम्प्लीटली याद रखनी है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, उसको हम नेम भी दे सकते हैं कि आप उसको सजेशन भी दे सकते हो, यहाँ पे आप कोई भी चीज लिख सकते हो, उसके अंदर कोई आपको टैग लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप कोई भी चीज लिख सकते हो। तो ये HTML के अंदर अप्रूव ही है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ओके। तो ये हमने दिया सबसे पहले। अब ये जो दोनों हॉरिजेंटली आ रहे हैं, तो मुझे ये जो सरनेम वाला है उसको नीचे यहाँ पे आपको बॉटम में चाहिए, तो उसको हम कैसे, तो आपको यहाँ पे न्यू लाइन लेनी हो तो आपको यहाँ पे ब्रेक का यूज करना पड़ेगा। ब्रेक का मतलब क्या है कि वो लाइन ब्रेक करता है। ब्रेक टैग हम यहाँ पे लिखते हैं, ब्रेक को हम सिंपली BR टैग की तरह यूज करते हैं, उसको सिंपली एक बार ऑन कर दीजिए, तो वहां से क्या होता, जो पहली लाइन क्रिएट होगी, जो हमारी द नेम वाला जो इनपुट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक ब्रेक होगा, उससे मतलब के न्यू लाइन हो जाएगी। न्यू लाइन की मदद से हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा जो नेम था वो कम्प्लीटली एक फॉर्मेट में आ चुका है, जो पहले दोनों के बाजू में था वो अब क्या हो गया, ऊपर नीचे क्रिएट हो गया। तो ये आप कम्प्लीटली एक फॉर्म देख सकते हो, यहाँ पे बढ़िया सा लग रहा है हमें, बढ़िया सा आउटपुट मिल रहा है। उसके अंदर आपको यहाँ पे ज्यादा जगह छोड़नी है तो वहां पे आप दो BR टैग का यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसके अंदर मल्टीपल BR टैग का यूज कर सकते हो, तो ये आप देख सकते हो। तो ये आप दोनों का जो जगह है वो क्या हो गया, दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो गए, तो ये आप कर सकते हो। तो ये हमने सिंपली टेक्स्ट इनपुट देखा। तो सबसे पहले हमने देखा फॉर्म, फॉर्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी फॉर्म क्रिएट करना हो तो वहां पे हम फॉर्म टैग का यूज करेंगे। उसके अंदर आपको कोई इनपुट लेना है तो मल्टीपल इनपुट टैग ले सकते हो, आपको टेक्स्ट लेना है तो वो इनबिल्टी क्या प्रोवाइड करेगा, टेक्स्ट प्रॉपर्टी ही प्रोवाइड करेगा, बट आप उसको दे भी सकते हो टाइप प्रॉपर्टी के जरिए कि हमें टेक्स्ट यहाँ पे चाहिए या दूसरा कोई चाहिए। तो ये हमने देखा। अब हम देखने वाले हैं रेडियो बटन, कि हमें कोई भी जो हमें लेना है, जो हमें इनपुट लेना है वो हमें किसी ऑप्शन के थ्रू लेना है। जैसे कि हमने कहीं कभार देखा होगा, आपने कहीं फॉर्म क्रिएट किया होगा या आप ऑनलाइन किसी फॉर्म को सबमिट करते हो तो वहां पे आपकी जेंडर को बताया जाता है, तो उसके अंदर ऑप्शन होता है, तो ऑप्शन के अंदर आपको जो राउंड यूज होता है ना उसको क्या बोलते हैं, रेडियो बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियो बटन। रेडियो बटन का मतलब क्या होता है, जो आपको दिए गए उसके अंदर से आप कोई एक ही सिलेक्ट कर सको, तो उसका मतलब क्या हो गया, रेडियो हो गया। हम रेडियो बटन कैसे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, तो वन टैप वो भी क्या है, एक इनपुट ही है ना, उसके अंदर हम कुछ डेटा ही इनपुट करते हैं, बट उसके अंदर हम मैन्युअली सेटअप नहीं करते, उसके अंदर जो दिया गया है उसको हम चूज ही करते हैं, तो उसका मतलब होता है रेडियो बटन। तो हमें कोई सिंगल चॉइस के लिए जो भी यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियो बटन। तो हमें यहाँ पे रेडियो बटन बनाना है, तो रेडियो बटन भी वन टाइप ऑफ इनपुट ही है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इनपुट टैग का यूज करेंगे, इनपुट टैग। उसके अंदर अभी तक हम जो प्रॉपर्टी देते थे वो क्या देते थे, टाइप प्रॉपर्टी। उसके अंदर क्या देते थे, हम टेक्स्ट देते थे ना, जैसे कि, बट अब हम यहाँ पे क्या क्रिएट करो, रेडियो बटन क्रिएट करना है, तो हमें थोड़ी ना हमें टेक्स्ट प्रॉपर्टी चाहिए, उसके अंदर से हमें चॉइस लेनी है। चॉइस लेनी है तो हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से मैं टेक्स्ट नहीं लिखूंगा, इसकी प्रॉपर्टी को मैं क्या करूंगा, हटा दूंगा, उसको क्या देंगूंगा, रेडियो, रेडियो। तो यहाँ पे मैं रेडियो दे देता हूँ प्रॉपर्टी। अभी फिलहाल मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये आप देख सकते हो क्या आउटपुट आया। तो यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है जिसके अंदर आप क्लिकेबल है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक राउंड आपको बटन मिल चुका है, तो रेडियो मिल चुका है, उसके अंदर आप क्लिक करोगे या उसके ऊपर होवर करोगे तो यहाँ पे आपको देखेगा एक रेडियो जो
एक कम्प्लीटली फिलअप हो गया है। तो ये उसके जरिए हम क्या करवा सकते हैं, रेडियो बटन क्रिएट करवा सकते हैं। रेडियो बटन जब भी आपको क्रिएट करना है तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, इनपुट टेक के अंदर आपका टाइप है जो ये मेन प्रॉपर्टी है। मैंने क्यों मैन्युअली दी, इसलिए दी थी क्योंकि आपको पता चले कि आपको क्या लेना है। वो भी हमने देखा था कि इनबिल्ट भी थी तो भी मैंने यहाँ पे मैन्युअली दी थी। क्यों दी थी, क्योंकि आपको फ्यूचर के अंदर आपको पता चले कि यहाँ टाइप का यूज क्या होता है। जब भी आपको टेक्स्ट डेटा चाहिए तो आप टेक्स्ट का यूज कर सकते हो, जब भी आप रेडियो बटन के थ्रू डेटा लेने वाले तो यहाँ पे रेडियो प्रॉपर्टी दे सकते हो। तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है, याद रखना है। और यहाँ पे भी आप मल्टीपल दे सकते हो, जैसे कि वैल्यू भी दे सकते हो, वैल्यू के अंदर आप कोई भी दे सकते हो, जैसे कि मेल दे देता हूँ। इसके अंदर आप आईडी भी दे सकते हो, नेम भी दे सकते हो। तो वो सो सारी प्रॉपर्टी है वो तो कॉमन ही है, यहाँ पे आप दे सकते हो रेडियो। तो ये प्रॉपर्टी सारी के सारी प्रॉपर्टी कॉमन प्रॉपर्टी ही है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले फिलअप नहीं होगा, तो इसके अंदर हमें थोड़ी ना वैल्यू पहले से ही मिलकर मिलेगी। जो वैल्यू प्रॉपर्टी थी वो किसके लिए काम की थी, टैक्स के लिए, टैक्स टाइप के लिए। यहाँ से हमें ओनली फॉर सिलेक्शन चाहिए, नो ना कि हम कोई टैक्स चाहिए। तो यहाँ से हम इसकी जरूरत नहीं है, बट हम ले सकते हैं। हमें नेम की भी जरूरत नहीं है, वो एक आईडी के थ्रू हमें काम करना है। तो ये हो गया। अब आपने कई बार देखा होगा कि ये सिंपल ही कोई आपको रेडियो बटन देखा, या उसके बाजू में कुछ लिखा होगा, या उसके ऊपर कुछ लिखा होगा कि यहाँ पे आपको जेंडर चॉइस करनी है। तो यहाँ पे आपको तीन टाइप्स दिखे, मेल, फीमेल और अदर्स। तो वैसे आपको क्रिएट करना होगा ना, तो वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि चूज योर जेंडर, तो ऐसा भी है तो आप कर सकते हो। जेंडर कैसे चूज करते हैं, तो यहाँ पे हम देख देते हैं BR टैग। BR टैग से क्या होता है, हमारी एक लाइन न्यू आ जाए तो जिससे काफी अच्छा लगेगा। यहाँ से भी हम BR टैग दे देते हैं, इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश कर। तो यहाँ पे क्या आ गया, सबसे पहले अपना नाम एंटर करो, सरनेम एंटर करो, अपनी जेंडर चूज करो। उसके अंदर यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए गए, तो वो मल्टीपल ऑप्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें हमारा क्या देखना चाहिए, लेबल दिखना चाहिए कि जो ये है वो किसका, मेल है, फीमेल है, किसका है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो हमने रेडियो बटन लिया है ना उसके इनपुट के नीचे हम क्या लेंगे, एक लेबल लेंगे। लेबल का मतलब क्या है, आप उसके अंदर लेबल दे सकते हो, जैसे कि हमने आगे भी यूज किया था लेबल। लेबल के अंदर क्या करेंगे, हम उसका ऑन और ऑफ करेंगे पहले तो लेबल, और उसके अंदर हम क्या देंगे, यहाँ पे हम फॉर लिखेंगे। फॉर का मतलब क्या है, एक आईडी की तरह ही काम करता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेल, और इसके अंदर आपको लिखना है मेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे आउटपुट मिलता है, तो आप कंप्लीटली देख सकते हो। कभी किसी को भी पता चल जाएगा कि ये जो है पहला है किसका है, मेल। तो आप मेल हो तो यहाँ पे चूज करोगे, आप फीमेल हो तो कहाँ पे चूज करोगे, वो भी आपको दिखना है। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेम इट इज जैसा ही आएगा। यहाँ से मैं BR टैग दे देता हूँ जिससे कि हमें न्यू लाइन मिल जाए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फीमेल, तो यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हो मल्टीपल चॉइस के अंदर आ चुका है, देख सकते हो। तो ये है मेल, फीमेल, ये हो गया हमारा मेल फीमेल। और हम तीसरा ले लेते हैं एक अदर के बाद, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ अदर। और यहाँ से भी मैं एक आईडी, जो एक फॉर कहते हैं उसका फॉर प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ भी आईडी है। तो यहाँ से मैं करता हूँ, तो यहाँ पे हमको तीन तो रेडियो बटन मिल सके हैं। तो इसके अंदर हम मल्टीपल चॉइस है, हम सिलेक्ट कर सकते हैं सिंगल, यहाँ से हम कोई भी एक चूज कर सकते हैं। तो वो आपको फॉर्म के अंदर मिलेगा। तो मल्टीपल आपको कई कबार अपनी वेबसाइट के अंदर देखा होगा, या आपने कोई भी फॉर्म जो अपनी वैकेंसी का है, या दूसरा कोई अपने फॉर्म जो ऑनलाइन सबमिशन किया होगा, तो इसके अंदर ये भी होगा कि आप मेल है, आपका मेल क्या है, मतलब कि आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, या क्या है। तो वो आप चूज करने के लिए आप क्या करवा सकते हो, रेडियो बटन का यूज करवा सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा रेडियो बटन हम कैसे करवा सकते हैं, तो वो हमने देखा। तो रेडियो बटन के लिए सिंपल ही आपको कुछ नहीं करना है, वन टाइप ऑफ इनपुट ही है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, रेडियो लिखना है। तो रेडियो से हम क्या मिल जाएगा, हमें डायरेक्टली रेडियो मिल जाएगा। उसके अंदर हम लेबल भी दे सकते हैं जिसके मदद से हम पता चले कि ये कौन सा है, या किस तरीके से उसकी
वैल्यू दी गई है, तो ये वैल्यू हम ऐसे भी दे सकते हैं। उसके अंदर हम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे सकते, हमने पहले यहाँ पे टेक्स्ट में अंदर वैल्यू दी थी, वो हम ऐसे नहीं देखते, ये हम लेबल के थ्रू भी दे सकते, तो ये बात आपको याद रखें। तो ये हमने देखा इनपुट टैग के अंदर रेडियो। अब हम दूसरा देखने वाले हैं चेक बॉक्स, या तो हमने देखा सिंगल चॉइस के लिए कि हम रेडियो कैसे क्रिएट करते हैं, तो अब हम देखने वाले हैं चेक बॉक्स, चेक बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो चेक बॉक्स का मतलब क्या, आप जब भी कोई फॉर्म फिलअप करते हो तो उसके अंदर आपको हॉबी दिखाई, हॉबी के अंदर जो आपको जो रेक्टेंगल बॉक्स दिखाई देते हैं वो आप मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं, तो वो क्या है, तो वो वन टाइप ऑफ एक ही रेडियो सॉरी चेक बॉक्स ही है ना, उसके अंदर आप मल्टीपल चेक कर सकते हो, तो वो वन टाइप ऑफ क्या हो गया, चेक बॉक्स ही है। तो उसको हमें क्रिएट करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसको हम चेक बॉक्स के लिए हम एक इनपुट टैग लिखेंगे, वो भी एक वन टाइप ऑफ क्या है, इनपुट ही है। तो इनपुट यहाँ पे क्या लेंगे, इनपुट ही लेंगे। इनपुट के अंदर हम क्या देंगे, टाइप देंगे, पहले हम देते थे टेक्स्ट, उसके बाद हमने दिया रेडियो, अब हमें चाहिए चेक बॉक्स, तो यहाँ पे क्या देंगे, चेक बॉक्स। आपको याद रखना है यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो ये बात आपको कंप्लीटली याद रखना है, यहाँ पे आपको चेक बॉक्स ही लिखना है, उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो उसका टाइप वो फेच नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट, जब भी आपको टेक्स्ट लेना है तो टेक्स्ट ही लिखेंगे, रेडियो लेना है तो रेडियो ही लिखेंगे, और चेक बॉक्स लेना है तो चेक बॉक्स ही लिखेंगे। उसके अंदर से हम नेम वैल्यू हम सारी प्रॉपर्टी दे सकते हो, इसके अंदर भी हमें क्या देना होगा, एक वैल्यू भी देनी होगी। यहाँ पे सबसे पहले हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेक बॉक्स आ गए, तो चेक बॉक्स और रेडियो बटन के अंदर डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ पे एकदम जो मल्टीपल चेक, एक बार जो चेक हो गया तो दूसरी बार उसको निकाल भी सकते हैं, जैसे हम रेडियो के अंदर नहीं कर सकते, वो सिंगल चॉइस है, ये मल्टीपल चॉइस है, तो इसे आप कर सकते हो। चेक बॉक्स का आपको पता चला चेक बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पे इनपुट टाइप चेक बॉक्स लिखा तो यहाँ पे हम क्या होता है, चेक बॉक्स हमको क्रिएट होके मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा चेक बॉक्स। इसके अंदर हमें कोई भी देना है कि आपकी हॉबी क्या है, तो हॉबी के लिए हम दे सकते हैं, यहाँ से हम एक लेबल कॉपी कर सकते हैं, उसके यहाँ पे हम हॉबी दे सकते हैं, तो हॉबी के लिए हम यहाँ से क्या दे रहे हैं, फोर अभी निकाल देता हूँ, हमें जरूरत नहीं, तो यहाँ से मैं दे देता हूँ सबसे पहले तो डांसिंग, तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मुझे क्या आ गया, जब भी डांसिंग का शौक होगा तो यहाँ से मैं फिलअप कर सकूंगा। तो यहाँ पे हम मल्टीपल जो यूजर के पास है मल्टीपल चॉइस हम ले सकते हैं ना, कि उसकी जरूरत क्या है, उसको क्या क्या चाहिए, तो यहाँ से हम मल्टीपल ले सकते हैं। तो ये हमने देखा बी आर, यहाँ पे बी आर लगा देते हैं, बी आर, तो ये हमने बी आर टैग लिया, उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस मिल जाएगी, देख सकते हो आप कंप्लीटली एकदम बढ़िया सा लग रहा है। तो हम जो ये टैग है, तो इस टैग के जरिए से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस दे सकते हैं यूजर को। तो आपने कई कबार ऑनलाइन वेबसाइट के अंदर भी देखा होगा, किसी फॉर्म सबमिट किया होगा तो इसके अंदर भी आपके हॉबी का सेशन होगा, तो आप हॉबी के लिए आप मल्टीपल चॉइस यहाँ पे दी गई हो, तो आप यहाँ पे मल्टीपल चॉइस भी रख सकते हो। तो ये बात आपको कम्प्लीटली याद होनी चाहिए कि आप मल्टीपल चॉइस किससे दे सकते हो, चेकबुक से। चेकबुक के लिए सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना है, अपना जो इनपुट टाइप है उसकी प्रॉपर्टी, टाइप प्रॉपर्टी के अंदर आपको क्या लिखना होगा, चेकबुक लिखना होगा, उसके अंदर आप लेबल के अंदर मल्टीपल यहाँ पे दे सकते हो, जैसे कि म्यूजिक देख सकते हो, सिंगिंग दे सकते हो, स्विमिंग दे सकते हो, तो आपके हिसाब के जो भी आपको अच्छा लगे वो आप दे सकते हो। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आप चेकबुक्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने फॉर्म देखा था, फॉर्म एलिमेंट कैसे हम क्रिएट करते हैं, उसके बाद हमने देखा था कि इनपुट टैग, उसके बाद लेबल के अंदर देखा, इनपुट के अंदर हमने देखा कि सिंपल जो इनपुट होता है उसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बोलते हैं, मतलब कि उसकी इनबिल्ट प्रॉपर्टी टैक्स ही होती है, उसके अंदर हमें चेंज करती है तो हमें टाइप प्रॉपर्टी लेनी होगी, इसके अंदर हम रेडियो दे सकते हैं, चेक बॉक्स दे सकते हैं, जो भी हमारा इनपुट टैग होगा, जैसे हमारा इनपुट टैग की स्टाइल वैसे ही हम इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले कि कोई भी वैल्यू हमें इनपुट करवानी है टैक्स के थ्रू, तो वो हम करवा सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद हमने देखा कि हम जेंडर कोई चूज करवानी, मतलब कि हमें रेडियो बटन का यूज करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हमने चेक बॉक्स का देखा कि मल्टीपल चॉइस हमें यूजर के पास से लेनी हो, तो वो भी हम चेक बॉक्स के जरिए ले सकते हैं। तो ये हो गया चेक बॉक्स, तो ये हो गया हमारे इनपुट फॉर्म। इनपुट फॉर्म के अंदर इतने सारे टैग देखे। अब हमारा जो लास्ट टैग होता है वो हम सिंपल बटन कैसे क्रिएट करेंगे, मतलब आपने ये फॉर्म तो क्रिएट कर दिया, बट ये जो इसका फॉर्म है उसको हम सबमिट बटन के थ्रू हम किसी तरह के सबमिट करवा सकते हैं।
तो वो हम बटन कैसे क्रिएट करेंगे, उसका यूआई कैसे क्रिएट करेंगे, तो वो यहाँ पे, तो वो भी एक वन टाइप ऑफ क्या है, एक इनपुट ही है जिससे आप कोई यूजर के पास से डेटा ले सकते हो। तो वहां पे हमें यहाँ पे इनपुट ही लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? इनपुट। इनपुट के अंदर आपको टाइप देना है, सिंपल बटन है ना, तो उसका टाइप आएगा सबमिट। क्या आएगा? सबमिट, सबमिट। यहाँ पे मैंने सबमिट ले लिया, उसका नेम भी मैं दे देता हूँ, या उसका, चलो उसका नेम भी मैंने दे दिया सबमिट, उसकी वैल्यू भी मैं दे देता हूँ सबमिट, वैल्यू का मतलब क्या होगा वो आपको उसके अंदर दिखाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ सबमिट। तो ये हो गया एक हमारा बटन, जो हम यहाँ से सेव करते हैं। तो यहाँ से आपको दिखाएगा एक सिंपल बटन यहाँ से क्रिएट होकर आ गया, देख सकते हो यहाँ एक सिंपल बटन जो यहाँ पे क्रिएट हो गया। आगे यहाँ पे मैं BR टैग लगा देता हूँ जिससे कि हमें बहुत बढ़िया आउटपुट मिले, इसको दूसरा भी लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी हमने डेटा लिया है वो हम सबमिट करवाना है, तो हम इसके जरिए करवा सकते हैं। इसके जरिए जो आपने देखा होगा इनबिल्ट क्या होगा, जो हमारा लेआउट है ना, इसको सिंपली क्लिक करते हैं तो ये जो हमारा फॉर्म है, जो हमारा वेब पेज आउट है, वो क्या होगा, तो आप देख सकते हो रिफ्रेश हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे कुछ हलचल होगी, मतलब कि जो आपका फॉर्म है ना वो क्या हो रहा है, रिसेट हो रहा है। यहाँ से मैं डेटा डाल रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ से मैंने कोई भी डेटा डाला, सॉरी यहाँ से मैं कोई भी डेटा डालता हूँ। ओके, यहाँ से मैंने मेल चूज किया, उसके बाद यहाँ से डांसिंग, ये तीन चूज की, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ अपना सारा डेटा रिफ्रेश हो जाएगा, देख सकते हो। तो जैसे मैंने फॉर्म भी बड़ा किया था वो भी क्या हो गया, अपनी जो स्टाइल थी उसके अंदर आ गया। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सबमिट आप कैसे कर सकते हो। सबमिट एक बटन है जो कि हम इसकी जो हमारा डेटा है उसके अंदर हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करवा सकते हैं, जिसका हमें कोई न्यू टेक के अंदर जाना है तो वो भी हम इसके जरिए करवा सकते हैं। तो ये किया हमने फॉर्म। तो फॉर्म आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, आपको इस लेक्चर के दौरान पता चला होगा कि किस तरह का आप फॉर्म देख सकते हो। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले जो भी टैग देखे वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था फॉर्म टैग। फॉर्म टैग का मतलब हमें किसी की तरह का फॉर्म क्रिएट करना है तो वहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्म टैग का यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखा कि हमें टेक्स्ट लेना है तो वहाँ पे इनपुट टाइप क्या देना होगा, टेक्स्ट लेना होगा। हमें रेडियो बटन लेना है तो इनपुट टाइप रेडियो लेना होगा। लेबल देंगे तो उसके अंदर आप कोई भी लेबल दे सकते हो। फॉर प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, एक आईडी की तरह काम करती है। उसके बाद हमने चेकबॉक्स देखा, और उसके बाद देखा हमने एक सिंपल बटन। सिंपल बटन के लिए आपको सिंपल यहाँ पे टाइप अपना क्या रखना होगा, सबमिट। तो ये आपको टाइप पर ही डिपेंड है, जो इनपुट टैग होता है ना वन टाइप ऑफ टाइप पर ही डिपेंड, जिस तरह का आप टाइप दोगे उस तरह की आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगी। चेकबॉक्स देखें तो चेकबॉक्स मिलेगा, रेडियो देखें तो रेडियो, टेक्स्ट देखें तो टेक्स्ट, और सबमिट देखें तो एक बटन मिल जाएगा। तो ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आपका असाइनमेंट दिख रहा है, तो ये आपको लेक्चर कंप्लीट होने के बाद फुलफिल करना है। ओके, थैंक यू।